झारखंड के साहिबगंज के रहने वालों की सालों पुरानी मांग धरातल पर उतर रही है। दो राज्य सहित पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य साहिबगंज और मनिहारी से लेकर पूर्णिया तक तेजी से चल रहा है। गंगा पुल में पिलर का काम तेजी से चल रहा है, लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। साल 2024 के अक्टूबर महीने तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनिहारी की तरफ भी 4-लेन सड़क का काम चल रहा है, जिसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साहिबगंज से मनिहारी तक गंगा के बीचों बीच 6 किलोमीटर का 4-लेन सड़क पुल बन रहा है। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल में गंगा में कुल 46 पिलर रहेगा, जिस पर 4-लेन सड़क पुल का निर्माण होगा। गंगा नदी के ऊपर 6 किलोमीटर लंबा सड़क पुल 1900 करोड़ की लागत से बन रहा है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल होगा। इस पुल में NH की कुल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। गंगा पुल निर्माण का टेंडर भोपाल की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को मिला है। यह कंपनी 1900 करोड़ की लागत से 4-लेन पुल सह सड़क निर्माण का काम कर रही है। गंगा नदी पर 6 किलोमीटर और दोनों तरफ से अप्रोच रोड के साथ 16 किलोमीटर यानी पुल के साथ सड़क की कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर होगी। गंगा पुल में 46 पिलर होंगे। कंपनी 10 वर्षों तक मेंटेनेंस का काम देखेगी। झारखंड में साहिबगंज बाईपास को बिहार के मनिहारी बाईपास से जोड़ेगी। साहिबगंज में गंगा पुल की मांग 1950 से शुरू हुई थी। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल की निर्माण की मांग आज से नहीं अपितु अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही है। कहते हैं 1950 में जब डॉक्टर विश्वेश्वरैया हमारे देश के महान वैज्ञानिक एवं महान अभियंता साहिबगंज आगमन हुआ था, तभी इस पुल की उपयोगिता की परिकल्पना उन्होंने कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब इस पुल का निर्माण हो जाएगा तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह भाग्य बदलने का काम करेगा। साल 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की NDA की मोदी सरकार और राज्य में भी NDA की सरकार बनी। तब PM ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। साहिबगंज जिला को विकसित जिला बनाने के लिए आकांक्षी जिला में शामिल किया गया। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल लगभग 1900 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। यह गंगा पुल विश्व का तीसरा सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पुल बन जाने के उपरांत साहिबगंज ही नहीं अपितु संथाल परगना पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में सीधा संपर्क में आ जाएगा। सालों पुरानी मांग को 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का शिलान्यास कर दिया। लोगों में एक आस जगी कि अब गंगा पुल बन जाएगा। साहिबगंज में गंगा पुल के निर्माण से इसके अनेकों फायदे हैं। साहिबगंज यह एक पत्थर व्यवसाय का मुख्य केंद्र है और यहाँ का माल देश के कई अन्य राज्यों में जाता है। प्रमुख तौर पर अगर हम बिहार को देखें तो गंगा पुल के निर्माण होने से जो है यहाँ से जो पत्थर व्यवसाय का जो साधन है यातायात का, वो 100 किलोमीटर लगभग घूम के जाना पड़ता है, जिसके वजह से जो भी माल होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर ये गंगा पुल बनता है तो आसानी से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में जाता है और माल सस्ता हो जाएगा, जिसके वजह से बिहार के कई जिलों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और यहाँ एक नया रोज़गार सृजन होगा, जैसे कई बेरोजगार युवाओं को एक नया व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। इस गंगा पुल का कई बार टेंडर हुआ। सबसे पहले चीन और भारत की कंपनी चेक सोमो को टेंडर मिला, लेकिन भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया। इसके बाद 2020 में गंगा पुल का टेंडर हुआ, जिसमें भोपाल की कंपनी ने टेंडर हासिल कर लिया। सामरिक दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण है कि साथ साथ यहाँ के रोजगार एवं व्यवसाय को भी पूरा प्रभावित करने वाला है। सीधा लाभ साहिबगंज की जनता को मिलने वाला है, स्थानीय जनता को मिलने वाला है। 24 घंटे 3 शिफ्ट में निर्माण कार्य चल रहा है।
हजारों की संख्या में कंपनी के मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर, दर्जनों बड़े बड़े किरान, मशीन, जेसीबी, हाईवा सहित अन्य आधुनिक मशीनों से गंगा पुल सह सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं तीनों पानी जहाज की मदद से मनिहारी में भी निर्माण कार्य की सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस पुल के निर्माण हो जाने से यह दो जिलों का जोड़ने का ही कार्य नहीं करेगी, परंतु यह दो राज्यों का के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को भी जोड़ने का काम करेगी। इस पुल के निर्माण हो जाने से व्यापारिक बढ़ावा के साथ साथ हमें दो राज्यों के बीच की सांस्कृतिक बढ़ावा भी मिलेगा। आधुनिक मशीन से पाइलिंग करके धरती के अंदर पिलर ढालने का काम तेजी से चल रहा है। पिलर में 42 इंच और 24 इंच सहित आवश्यकता अनुसार छड़ का उपयोग करके पिलर का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल एक सपने के सच होने जैसा है। साहेबगंज के कई लोगों ने पुल बनाने का सपना देखा था, जो उनकी आंखों के सामने अब सच हो रहा है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।